भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला, जहां साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबुम्बा कगेसोर रवाड़ा जैसे तूफानी विस्फोटक गेंदबाज और कप्तान को धोने में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या तो वहीं विराट कोहली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और साउथ अफ्रीकी की गेंदबाजों को जमकर धो डाला, लेकिन कगेसोर रवाड़ा ने भारतीय टीम के बड़े से बड़े दिग्गजों का विकेट ले डाला। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी, लेकिन लास्ट में आप सभी को बता दें कि हार्दिक पांड्या ने आकर के भारतीय टीम का रन रेट इतना आगे पहुंचा दिया कि कगेसोर रवाड़ा क्या यहां पर टेम्बा बाबुम्बा क्या कोई भी टीम आ जाती उतना रन चेज नहीं कर पाती। भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। वैसे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबुम्बा ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया, जहां पर जसप्रीत बुमराह कप्तान रोहित शर्मा काफी ज्यादा खुश हुए। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने टेम्बा बाबुम्बा के पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तो वहीं खूंखार विस्फोटक गेंदबाज दूसरा ओवर लेकर के आए, यानी कि कगेसोर रवाड़ा ने दूसरे ओवर में काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी की। यहाँ पर दूसरे ओवर में विराट कोहली ने एक चौका जड़ दिया और सिर्फ 4 ही रन दूसरे ओवर से आए। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज काफी मेहनत से और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी चौके और 1 छक्का ठोक दिया। काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में रोहित शर्मा मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के तूफानी विस्फोटक तीर्थराज गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए, जहां पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। साउथ अफ्रीका के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने के लिए एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए यहां पर साउथ अफ्रीकी के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने छठवें ओवर की 6 गेंदों पर ऐसी घातक बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर कोई चौंक गया। छठवें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके साउथ अफ्रीका के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली को लेकर के भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, जब विराट कोहली 48 रन ठोक करके 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। विराट कोहली जैसे आउट हुए भारतीय टीम में सनसनी छा गई, लेकिन फिर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। ऋषभ पंत एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने टी20 में काफी बेहतरीन विस्फोटक पारियां खेली हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर उतरते ही छक्के से शुरुआत की और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर चलने लगा। 8वां लेकर के आए ओवर कगेसोर रवाड़ा, यहाँ पर ऋषभ पंत स्ट्राइक पर थे। कगेसोर रवाड़ा के 6 गेंदों पर यहाँ पर ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी की। तो वहीं रोहित शर्मा का बल्ला काफी ज्यादा गुस्से में चल रहा था और काफी आक्रामक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट करके बल्लेबाजी कर रहे थे। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरानी में पड़ गया। रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे और छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। धीरे धीरे हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा यहाँ पर जो है 85 रन पूरे कर चुके थे और अभी भी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा यहाँ पर फिर एक और झटका लग गया जब 10वें ओवर की 6ठी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत 38 रन ठोक करके आउट हो गए। ऋषभ पंत काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत जब आउट हुए भारतीय टीम में सनसनी छा गई। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था एक घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए
ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोकने शुरू कर दिए। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो वहीं भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब रोहित शर्मा 112 रन ठोक करके आउट हुए। अब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वो विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी की एक एक गेंदबाज को धोड़ाला। क्या कागेश्वर रवाड़ा, क्या कोई भी गेंदबाज हो, यहाँ पर सभी इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी खूंखार तरीके से मैदान पर डट कर बल्लेबाजी की और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक दिए। लेकिन उससे पहले पहले आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे का भी तूफान देखने को मिला। शिवम दुबे ने 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। शिवम दुबे की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, इतनी खास बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी कर नहीं पाए, लेकिन यहां पर 16 रन बनाकर के शिवम दुबे क्लीन बोल्ड हो गए। शिवम दुबे पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्लॉप रहे। शिवम दुबे जब आउट हुए तो यहां पर कागेश्वर रवाड़ा ने शिवम दुबे का विकेट लिया, जहां पर डी कॉक यहां पर जो है 16वां ओवर लेकर के आए और स्ट्राइक पर थे यहां पर सूर्य कुमार यादव और यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाज मैदान पर काफी आक्रामक विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी करने लगे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में साउथ अफ्रीकी की गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान टेम्बा बाबुम्बा काफी फुदक रहे थे क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर अभी 198 ही पहुंच पाया था और धीरे धीरे यहां पर ओवर 3 ही रह गए थे। तो वहीं 17वें ओवर में घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। इसको देखकर के साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके ऐतिहासिक पारी खेल डाली। यहां पर हार्दिक पांड्या ने हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के न ठोक पाए वो हार्दिक पांड्या ने कर दिखाया। हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बेहतरीन बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और इस बल्लेबाज ने बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। काफी आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर आप सभी को बता दें कि डिकॉक और यहाँ पर कागेश्वर रवाड़ा को जम करके धो दिया और यहाँ पर देखकर हर कोई हैरान था। तो वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें साउथ अफ्रीका के कप्तान भी टेम्बा बाबुम्बा के पसीने छूट रहे थे। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक करके ऐतिहासिक पारी खोल डाली। तो वहीं 20वें ओवर में लगातार 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। हार्दिक पांड्या ने 98 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 135 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के घातक खूंखार शेरों ने साउथ अफ्रीका के सामने यहां पर 284 रन बना दिए, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 285 रनों की जरूरत थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा कूद रही थी, फुदक रही थी। शायद उन्हें लगा कि मुकाबला हम आसानी से जीत लेंगे क्योंकि यहां पर 280 और 85 रन कोई खास नहीं होते हैं T20 के मुकाबले में। लेकिन जब यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक यहाँ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। पहला ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह जिन्होंने पहले एक ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए हार्दिक पांड्या, उन्होंने 8 रन दिए, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि 3 विकेट में 1 भी विकेट नहीं गया था। फिर मोहम्मद सिराज गए, उन्होंने 16 रन दे दिए। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह जब 6ठा ओवर लेकर के गए तो उन्होंने 1 विकेट चटका दिया और एक खिलाड़ी को, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी को चलता बना दिया। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटे हुए थे। यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 9वें ओवर की 6ठी बॉल पर कागेश्वर रवाड़ा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन 2 साउथ अफ्रीकी के बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। काफी आक्रामक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर आप सभी को बता दें भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफी परेशान कर रहे थे। लेकिन फिर हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए यहां पर 12वें ओवर की 6ठी बॉल पर उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टेम्बा बाबुम्बा धीरे धीरे 50 पार कर चुके थे और टेम्बा बाबुम्बा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा लग रहा था। तो वहीं पर घातक विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 18वें ओवर में टेम्बा बाबुम्बा को भी चलता बना दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान था। यहां पर आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करते गए। लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे थे साउथ अफ्रीका के जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे वो अपना 50-50 पूरा कर चुके थे। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने धीरे धीरे 19वें ओवर तक जाते आते पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को समेट लिया और इस मुकाबले को जीतकर ऐतिहासिक पारी खेल डाली। भारतीय टीम के दिग्गजों को दिल से सलाम है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से रवि कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।